हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MLM राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करता हूं, कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर लवली इनो क्वाइन के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, कुछ बताइए सर। तो मैंने जो वीडियो दिया था लगभग आई थिंक आज से 4-5 दिन पहले दिया था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने बनाया वहाँ पे। और अभी भी मैं अगर एक दिन पहले की बात करूँ तो लवली इनो क्वाइन लगभग 30-35% डाउन आ चुका था, आई थिंक 35-40% डाउन आ चुका था। लोग थोड़े से घबरा भी गए थे, लोग थोड़े से सोच रहे थे, लेकिन जो लोग समझदार थे और जिन लोगों ने इसकी पावर को समझा, जिन लोगों ने ये समझा कि डाउन आने पे क्या करना चाहिए, उन्होंने उस टाइम बाइंग की है। लवली इनो क्वाइन की जब डाउन आया था 35% के समथिंग, उस टाइम लोगों ने इसकी बाइंग की, और आज की मैं बात करूँ तो 25% ऊपर है दोस्तों। कल के दिन से मैं अगर आज की बात करूँ तो 25% अप हो चुका है, 25% का प्रॉफिट आज भी अभी भी दे के चल रहा है। दूसरी चीज़, 1 तारीख को इसकी फिर से बर्निंग आ रही है, उस बर्निंग के दौरान इसका जो प्रॉफिट है वो कहाँ तक जा सकता है, कितना प्राइस अप हो सकता है, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो वो मैं लेके चलूँगा आपको स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा इसकी बर्निंग का डेट, प्लस इसके ट्विटर अकाउंट्स का, प्लस इसका जो प्रिडिक्शन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा स्क्रीन के माध्यम से। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करना ना भूले, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं लेटोकन एक्सचेंज के ऊपर, और लेटोकन एक्सचेंज को मैं ओपन कर लेता हूँ, और अभी भी आपको दिखाता हूँ बहुत शानदार ग्रोथ फिर से ले चुका है। देखिए, यहाँ पर $1902 मेरे हो चुके हैं अभी, दो मतलब लगभग आधे एक घंटे पहले सिर्फ $1400 के समथिंग दिख रहे थे ये। तो यहाँ पर जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था आपका, उस टाइम सिर्फ 25% की ग्रोथ थी, लेकिन अभी आप देखेगा तो 44% की ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाए। यहाँ पर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन में आप जाके देखते हैं दोस्तों, 3 मिलियन मार्केट कैप हो चुका है इसका, जो कि अभी 2.5 मिलियन था कुछ टाइम पहले, यानी कि 2.5 मिलियन था, अभी 3 मिलियन हो चुका है, 5 ट्रिलियन टोकन इसके टोटल है। अभी वेबसाइट के ऊपर हम चलते हैं एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट जो है बहुत ही इसकी बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है, लवली इनो द राइज ऑफ मेम्स टोकन रेवोल्यूशन। इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की हुई है, आवर विजन इज टू मेक द रिकॉर्ड बाय ग्रोइंग टोकन प्राइस फ्रॉम इतने से लेके $1 इन द ईयर, यानी कि इनका ये कहना है कि 2021 तक हम इसको $1 तक का लेके जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ, पहले भी मैंने वीडियो में बोला था दोस्तों कि अपने रिस्क पर आप ट्रेड करें, लॉस आपका प्रॉफिट आपका, इतना ही पैसा लगाए जितना जो है आप लॉस होने से नुकसान ना हो मतलब आपका, ठीक है। दूसरी चीज़, प्राइस छोड़िए, $1 छोड़ते बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, $1 का मतलब है ₹75। मैं कहता हूँ इसका 1% भी, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ ₹7 भी जाता तब भी बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। 7 भी छोड़िए दोस्तों, अगर ₹1 भी जाता है ये, तो एक बहुत ही बड़ा रिटर्न हम लोगों को मिल सकता है, बहुत शानदार प्रॉफिट हम लोगों को सभी को हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है बिटमार्ट, बिकैक्स, लेटोकन, हॉटबिट और P2P, यहाँ पर ये सारे लिस्टेड हो चुका है, ठीक है। उस पर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका रोड मैप तैयार किया गया, रोड मैप इन्होंने दिखाया हुआ अपना। फिर मैं ले चलता हूँ दोस्तों ट्विटर की तरफ अपना, और ट्विटर पे देखते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट है क्या इनकी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 28 तारीख है, 1 तारीख को इनकी बर्निंग है फिर से, और बर्निंग में मुझे उम्मीद है कि प्राइस बहुत ही ख़तरनाक मोमेंट ले सकता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर देखेंगे लवली इनो, तो देखेंगे यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट नंबर पर ही लवली इनो को दिखाया गया है यहाँ पर। उसका पीछे चलते हैं तो ट्विटर को दोबारा से खोलते हैं ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं इसका जो बर्निंग का प्रोसेस है वो होने वाला है। तो यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों 21 तारीख को बर्निंग थी, जहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा उछाल लिया था। अब इसकी जो नेक्स्ट बर्निंग है वो 1 तारीख को है, तो मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख से, वैसे तो पंप लेना तो अभी से शुरू कर चुका है, 30-31 को इसका प्राइस जो है अभी प्राइस चल रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसका, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार, और प्राइस चल रहा है दोस्तों 0.00005 9। तो मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में इसका प्राइस जो है 0.00005 के समथिंग तक इसका प्राइस जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। मैं अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगा करने की कोशिश करूँ तो सभी इंडिकेटर्स तो यहाँ पर नहीं लग पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ट्रेडिंग व्यू पे होता तो मैं सारे इंडिकेटर्स लगा कर आपको ज़रूर दिखाता। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स ये लगा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ मूवमेंट लिया था, फिर नीचे गया था, ऊपर गया था, नीचे ऊपर, अब यहाँ से थोड़ा से नीचे लिया, फिर यहाँ पर इस तरीके से जाता हुआ मिलेगा। तो प्राइस हमें 0.00007 से लेकर 75 तक यहाँ पर प्राइस हमें जाता हुआ मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर, यानी कि अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो यहाँ पर लगाना पॉसिबल नहीं होगा ट्रेंड लाइन, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करूँ, मैं दिखाता हूँ आपको
ये देखिए यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस ये 0.607500 तक जाता हुआ नज़र हमें आता है। अगर यहाँ से ये किसी तरीके से ब्रेकआउट मारता तो प्राइस अगर प्राइस दोस्तों यहाँ से नीचे आता तो प्राइस हमें 0.004500 से लेके 50 तक हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन डाउन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अभी दो दिन पहले डाउन आया हुआ तो उस टाइम एक अच्छा खासा मौका मिला था बाइंग करने का, तो जिन लोगों ने बाई किया होगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया होगा। तो बाकी उम्मीद है दो एक दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा। तो दोस्तों इस बने रहे लेटेस्ट अपडेट के लिए, बहुत जल्दी अगली अपडेट आपके पास लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।